नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। और डेली जीके की क्लास का आज का जो टॉपिक है वो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है इसको हम डेली 30 में कर चुके हैं, लेकिन वहां पर बड़े प्रश्न हम डिस्कस करते हैं और तीन चार प्रश्न हमने वहां पर डिस्कस किया था, संयुक्त राष्ट्र के अंग के तौर पर किया था। आज यहाँ पे डिटेल में हम 10 प्रश्नों के माध्यम से इसको इस तरीके से देखेंगे कि आपका कोई भी प्रश्न, छोटा से छोटा प्रश्न, गलत ना हो। लगभग सारे प्रश्न इसमें कवर हो गए, अगर कोई रह गए होंगे तो बताइएगा या कमेंट कर दीजिएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। पहला प्रश्न लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे की स्थापना कब की गई थी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित हुआ था और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। आपसे स्थापना पूछी जा रही है और 1946 से इसने काम करना शुरू किया था। तो अगर काम करना पूछा जाएगा कि कब से शुरू किया था, तो इसने शुरू किया था 1946 से, लेकिन जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1945 में की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायिक अंग है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये अगला प्रश्न हम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों में से एकमात्र संस्थान है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, वह कौन सा संस्थान है? संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थान है, इसको समझना होगा। तो संयुक्त राष्ट्र पे डेली 30 का वीडियो है, उस वीडियो को आप देखिएगा, वहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र के इसी अंग के बारे में नहीं, वहां पर सारे अंगों के बारे में हमने डिस्कस किया है और अभी उसका एपिसोड आना बाकी है, एक एपिसोड और आएगा उसका। तो इसमें जो भी मुख्यालय है और सबका जो और भी संस्थान है, जो अंग है, उनका सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, लेकिन एक एक है जिसका नहीं है और वो यही है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अगला प्रश्न देखिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, ये तो प्रश्न में ही दिया हुआ है। इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है और हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। अब यहां पर पूछा क्या जा रहा है कि हेग के किस पैलेस में स्थित है, रेड ब्लू पिंक पीस पैलेस का नाम क्या है, ये यहां पर पूछा जा रहा है। और इस पैलेस का नाम है पीस पैलेस, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये पीस पैलेस में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है 15, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आईसीजे में 15 न्यायाधीश होते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा उनको चुना जाता है। कितने कार्यकाल के लिए चुना जाता है, सोचते रहिए, अभी अगला प्रश्न आएगा वहां पर हम बताएंगे। और ये जो दोनों निकाय हैं एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करके ये इनका चुनाव करते हैं, और निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत की जरूरत होती है। और ये दोनों निकाय कौन कौन से हैं, मैंने बताया, महासभा और सुरक्षा परिषद, वहीं से इनका चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किन भाषाओं में काम करता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 1945 में स्थापित हुआ, 46 से काम कर रहा है, और इसकी जो दो भाषाएं इसकी महत्वपूर्ण है जो इसमें काम करता है, वैसे यहाँ पर देखिए अंग्रेजी सब में कॉमन है, बाकी एक एक चेंज करके दी है, लेकिन ये अंग्रेजी और फ्रेंच, ये दो भाषाएं हैं जिसमें ये काम करता है, यही इनकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला जो प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने देश शामिल हैं, यानी कि ये जो पूरा समूह है, इस न्यायालय के कितने मेंबर हैं, कितने देश इसमें शामिल हैं? 193 देश इसमें शामिल हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द हेग में स्थित, नीदरलैंड में स्थित, पीस पैलेस में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 193 मेंबर हैं, ये इतने देश इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, इनमें से कितने एशिया क्षेत्र से चुने जाते हैं? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो 15 न्यायाधीश हैं, ये 5 क्षेत्रों से चुने जाते हैं, अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से 2, एशिया से 3, और पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5, और पूर्वी यूरोप से ये 2 चुने जाते हैं। तो एशिया से कितने चुने जाते हैं, एशिया से ये 3 चुने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, एशिया क्षेत्र से 3 चुने जाते हैं। और एशिया क्षेत्र से ही, क्योंकि भारत कहां पर आता है, एशिया में आता है, तो भारत का जो प्रतिनिधि होगा वो प्रतिनिधि एशिया क्षेत्र से ही चुना जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायाधीश नहीं रहा है, कौन ऐसा भारतीय है जो न्यायाधीश नहीं रहा है? अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 भारतीय रहे हैं न्यायाधीश जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं,
और यहाँ पर भी वो न्यायाधीश ही रहेंगे तभी तो वहां पर न्यायाधीश बनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी बना दिया जाएगा। तो जो चार लोग रहे हैं उनमें से एक नाम है मार्कंडे काटजू का, ये नहीं रहे, रघुनंदन स्वरूप पाठक, सर वेनेगल राव, दलवीर भंडारी और एक थे नागेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह ये रह चुके हैं। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 के बीच में ये रहे हैं, बहुत लंबा कार्यकाल ये होता है, इतने समय तक रहे यानी कि दो बार ये चुने गए होंगे तभी इतने लंबे समय तक रहे। तो दलवीर भंडारी तो अभी है ही है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये करंट अफेयर में चेंज भी हो सकता है आगे, लेकिन वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वो है अब्दुल काबी अहमद यूसुफ। अब्दुल काबी अहमद यूसुफ जो है ये सोमालिया के एक एडवोकेट है, वकील है और ये इस समय आईसीजे के अध्यक्ष है, ठीक है। और ये ऐसे ही क्रम चलता रहता है, कभी कहीं का कोई बनेगा, कभी कहीं का कोई बनेगा। और अंतिम प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है, वो समय कितना है जितने समय के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, और वो समय है 9 वर्ष, 9 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे चुने जाते हैं, महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा इनको 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। आरओ यारो का हिंदी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीयू का पहले ही क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस और आरओ यारो का जीएस का भी टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चल रहा है, यूपीपीसीएस में सिसाइड भी उसमें इंक्लूडेड है, आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं और सबके साथ करेंट अफेयर आपको फ्री में मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।